हाय फ्रेंड, मैं हूं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी सेवा में यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बगल में बेल बटन दबा दे और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करें। तो अगर आप लोग सरकारीRESULT.COM से अपडेट रहते होंगे तो आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में मालूम चल गया होगा कि किस तरह यूपी में टीचर की आई बम्फर बहाली। वैकेंसी आई है 69,000। बिना यूपी वाले भर सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म को कौन कौन डिग्री वाले भर सकते हैं, इसमें पैसा कितना लगेगा, मैं इसकी सारी जानकारी आपको हिंदी में दूंगा। तो फ्रेंड वीडियो के साथ बने रहें। चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू कर। तो फ्रेंड अब हम चलिए आपको एक क्रोम ब्राउजर में खोल के सरकारीRESULT के सहारे आपको इस बहाली की डिटेल कुछ दिखलाते हैं, फिर मैं आपको PDF से इसकी अच्छी खासी जानकारी दूंगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में। जैसे हम क्रोम ब्राउजर में आ जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ही में देख रहे हैं यूपी में टीचर ऑनलाइन फॉर्म, तो इसमें हम क्लिक कर देते हैं तो इसके सामने कुछ ऐसा इस तरह का इंटरफेस मुझे आ गया। यहाँ पे फर्स्ट में ही दो रो में देख रहे हैं यहाँ पे बहाली 69,000 और यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन। फॉर्म अप्लाई होगा 6/12/2018 से, नोटिफिकेशन इसका आया है। इस फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं 20/12/2018, यानी कि इसी मंथ 20 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट पेमेंट पे एग्जाम फी, लास्ट पे एग्जाम फी 21/12/2018 बता रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड, इसका पेमेंट आप, सबसे बड़ी बात आ गई है इसमें कि 20 को फॉर्म आपको भरना होगा, 21 को आपको उसके ठीक अगले दिन मतलब यानी 21 तारीख को आपको पेमेंट सक्सेस कर देना होगा और 22 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, मतलब आपका फॉर्म मात्र 2 दिन। बिल्कुल हाँ फ्रेंड, आपका फॉर्म मात्र 2 दिन ही फिलअप होगा, इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर 21-20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट होने का समय सुबह छः बजे के शाम यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यानी 6 बजे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 6 बजे शुरू होगा और यहाँ पे 6 PM यानी शाम 6 बजे शुरू होगा। तो आप लोग फ्रेंड इस मौका को गवाए नहीं, इसका एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा 31/12 को। इसका एग्ज़ाम का डेट है 6/1 यानी ठीक जनवरी 6 तारीख में 2019 को ले लेगा। इसका आंसर की उपलब्ध हो जाएगा 8/1/2019 यानी मतलब 6 को एग्जाम लेगा। और जो काम फ्रेंड इससे यही साबित हो रहा है कि जितना काम करेगा जल्दी जल्दी एंड फास्टली काम करेगा, रिजल्ट आपको ठीक 22 तारीख को आपका रिजल्ट मिल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो फ्रेंड इसमें जनरल और OBC वाले बंदे 600 रुपये आपको पे करने होंगे, 600 ए और SC/ST कैटेगरी, SC और ST के जो बंदे होंगे उनको मात्र 400 रुपये लगेंगे। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, 400 रुपये। यहाँ पे अब पेमेंट ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फ्रेंड, आप पेमेंट ऑनलाइन ऑप्शन दे चुका है। अब हम इसके चलते हैं एलिजिबिलिटी पर कि क्या क्या इस फॉर्म में लेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको BA की बैचलर डिग्री इन एनी सिस्टम, कोई भी बैचलर डिग्री आपको BA कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद सबसे नंबर 1 कैटेगरी है DL Ed आपका फाइनल होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से हो, कोई भी इंस्टीट्यूट से। अगर DL Ed नहीं है तो आप शिक्षा मित्र का भी यूज कर सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना है। अगर ये भी नहीं है तो आप DEd तो कर ही रहेंगे, DEd ऑप्शन या डिप्लोमा, DEd 2 या डिप्लोमा। अगर ये भी नहीं है तो आप फिर DEd जो हो गया ये एजुकेशन डिप्लोमा, स्पेशल DEd एजुकेशन के लिए ये भी चलेगा। अगर ये भी आपका नहीं है तो आप 2 ईयर का यहाँ पे स्पेशल BTC लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप 2 ईयर BTC डिप्लोमा इन उर्दू का होगा, उससे भी आप लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर BL Ed के डिग्री लगा सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे BL Ed पास एग्ज़ाम अगर हो चुके हैं तो ये भी लगा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कोई बात नहीं, BEd एग्ज़ाम पास कर गए हैं वो लगा सकते हैं। ये फ्रेंड BL Ed है और ये BEd, अगर इसमें से कोई भी नहीं है तो फ्रेंड सॉरी, आप कोई भी फॉर्म, इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड इतनी सी डिटेल इसकी थी और हम चलते हैं यहाँ पे कुछ नीचे। आपको यहाँ पे ID प्रूफ अलाउड इन फिल एप्लीकेशन, आपको ID प्रूफ जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको यहाँ पे नोट आधार कार्ड आपका अलाउड नहीं होगा,
जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकार की बीच में रिपोर्ट भी आई थी कि आधार कार्ड पे वो बहुत सी जगह बैन लगा दिया है, तो आधार कार्ड आपका इसमें अलाउ नहीं होगा। आप में साफ साफ आपको लिखा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी फ्रेंड, पैन कार्ड और पासपोर्ट, ये चार कैटेगरिया में से आपको एक होने बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप अगर नहीं है तो अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक डिटेल आप ऑनलाइन। ठीक फ्रेंड, आप सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि फ्रेंड आपको ये एकदम 2 दिन की टाइम हो और इस घड़ी में अपना लाइफ को आपको सेट करना है, तैयारी अच्छे से करें। फिर चलिए हम कुछ PDF इसका दिखला देते हैं। इसका PDF यहाँ पे फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ज्ञान संचालित परिषद पर प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बाल बालिका को स्वच्छ गुणवत्ता को विकसित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक के बारे में दिया गया है, ये 2056 मतलब सनादेश के अनुसार देख रहे हैं, यहाँ पे ये निकला है, 1 दिसंबर को संलग्न किया गया है। तो ये है कुछ फ्रेंड, इसकी मैं इस लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको खोल के बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत अच्छे से फॉर्म, 2 दिन का समय आपको मात्र फ्रेंड 2 दिन फॉर्म भरने के लिए है, फॉर्म अच्छे से भर के तैयारी अच्छे से करें और कोशिश करें कि जॉब पाले। फ्रेंड फिर मिलते हैं वीडियो में नए जस नए उमंग के साथ। फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, एकदम एक हिट लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल बटन दबा दे, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इस फैका फायदा आपके दोस्त भी उठा सके।